हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप देख रहे हैं यूट्यूब और ये है मेरा चैनल यूनिवर्सल बाबा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो जस्ट सब्सक्राइब नाउ, ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आज मैं बताऊंगा आपको कि टाइडल पावर प्लांट कैसे काम करता है। पहला है स्ट्रक्चर। तो टाइडल पावर प्लांट के तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो डैम या बैरेज जिससे रिजर्वायर बनता है, और दूसरा है ये स्लुइस गेट्स जिससे सी वाटर रिजर्वायर और सी के बीच में फ्लो करता है, और तीसरा टर्बाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। अब हम देखेंगे हाउ इट वर्क्स। तो हाई टाइड के दौरान स्लुइस गेट्स खोल दिए जाते हैं और टर्बाइन रोटेट होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। जब रिजर्वायर फुल हो जाता है स्लुइस गेट्स बंद कर दिए जाते हैं, तो जो पानी होता है वो रिजर्वायर में ही स्टोर रह जाता है। अब हम देखेंगे व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ लो टाइड। तो जब सी लेवल गिरने लगता है तब वापस स्लुइस गेट्स बंद कर दिए जाते हैं और वाटर रिजर्वायर में ही रह जाता है। जब सी लेवल लो हो जाता है, लो टाइड आता है, तब स्लुइस गेट्स खोल दिए जाते हैं और वाटर टर्बाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और वाटर रिजर्वायर से सी में फ्लो करता है। और जब सी लेवल नॉर्मल हो जाता है तब फिर से गेट्स क्लोज कर दिए जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट और क्वेरी कोई हो तो वो भी भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।